अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं जाने लगा हूँ सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। मेरा छोटा छोटा ब्रदर इन लॉ कुवैत से आ रहा है, तो उसको रिसीव करने जा रहा हूँ सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो चलते हैं, आपको साथ में इंजॉय कराते हैं। तो मेरे साथ जाएगा अली बाबा, अली बाबा 44 अली साथ लेके जा रहे हैं। तो चलते हैं वहाँ जाकर, मैं आपसे मुलाकात होगी। लो जी, बस यहाँ तक ही रोड बना हुआ था, आगे से फिर कच्चे पक्के खड्डे आ गए हैं, लेकिन रोड का काम चल रहा है। तकरीबन 3-4 साल से रोड का काम चल रहा है। मुस्लिम लीग नून के दौर में तकरीबन 2015-16 में स्टार्ट हुआ था। तकरीबन डस्का से सामनेहाल रोड था, ये तकरीबन सियारा फासला नहीं, तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर है, तकरीबन 10 किलोमीटर बना हुआ है 2-3-4 सालों में। उसके बाद अभी काम रुक गया है, क्योंकि अभी जो हुकूमत है वो PTI की है, तो फंड वगैरह रुक गए हैं, थोड़ा काम भी उधर ही रुक गया है। आवाम जलील हो रही है, लेकिन काम हमारे उधर ही रुके हुए हैं। चलो कोई बात नहीं यार, कभी ना कभी ये रोड बन जाएगा, हमारी भी सुनी जाएगी ना। जी वेलकम बैक, हम सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, अभी हम पार्किंग में हैं, तो भाई का इंतज़ार करेंगे। सॉरी भाई, मामू ने इंतज़ार करना ही कि चलिए इंतज़ार करना, और इतना लेट है लही यार, अभी आप गए कॉल नहीं हल तक आई कहीं, मैं ही पहुँच गए। लगता है जहाज़ लेट है, अभी एक जहाज़ की लैंडिंग की आवाज़ तो आई है, हो सकता है आ गए हैं, तो देखते हैं, पूछते हैं, जाके देखते हैं बोर्ड पे फ्लाइट में डिले तो नहीं है। अभी भी उतरा है जहाज, अभी अभी लैंड हुआ है, वहाँ टेस्ट करते हैं। जी अभी जहाज लैंड हो चुका है, तो बाहर आते आते मेरे ख्याल से जो मिनिमम है जो काम भी हो गया तो जो मिनिमम टाइम है
वो तकरीबन आधा घंटा तो 40 मिनट तो लेंगे, अगर जल्दी सामान मिल गया तो, सामान जल्दी आ गया तो। क्योंकि अंदर जो इमिग्रेशन का हमारा सिस्टम बहुत स्लो है, तो उधर बहुत टाइम लगता है इमिग्रेशन में, तो वेट कर रहे हैं। मतलब अभी आए हैं, थोड़ा गाड़ी बैठते हैं, 15-20 मिनट के बाद फिर आएंगे, तो फिर देखते हैं बाहर आते हैं कि नहीं अभी फिर। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, हाउ आर यू? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? फाइन। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बस ओए हाल चाल दस। अल्हम्दुलिल्लाह, सफर बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मजे का सफर था। बदल इन्ने को टकराए ना जहाज ना जहाज मिलता है। मौसम बहुत खराब, इतने भी खराब मौसम, दुबई भी खराब मौसम। तीन चार बार हमें लगा कि शायद आज हम घर नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो पहुंच गए, घर तक भी अल्लाह ले जाएगा। क्योंकि मौसम जो है दुबई में भी 3-4 दिन से बारिश है, बादल बहुत है, यहाँ भी बादल है। बिल्कुल, तो एक्सपेक्टेड है अगर संडे और मंडे को बारिश का इधर भी है। और सफर कैसा रहा? थक तो गए होगे। तकरीबन हमारी जो ट्रैवलिंग थी वो तकरीबन 30 से 40 आवर तो बनी गई है। सुबह कितने बजे निकले थे? हम घर से निकले थे सुबह 5 बजे। 5 बजे? 5 अभी 12। और उससे पहले हम होटल पे गए ना, ब्रेकफास्ट किया, उससे पहले हम सोए नहीं है। चले ओ वेखी समान कितने आ गया? लो जी साड़ी गड्डी गुआच गई जे, साथ नहीं याद कि दिखा रही है। लभते हैं। ये थोड़ा दुबई मॉल है जहाँ भूल गए हैं हमको, मिले नहीं, नहीं मिलेंगे। लो जी नंगो जी, लभ लेते हैं। अली सुट समान सुट, तेरे उन्दा का फायदा तो होना चाहिए अली, के नहीं होना चाहिए। हाँ जी, खुशी हो रही बाबा आया। हाँ कि बड़ी किन्नी को पर इन्हें जो समान उठे रह गए ना, चॉकलेट उठे रह गई। हाँ चॉकलेट, कोई बात नहीं, बाबा आ गए ना, चॉकलेट की खैर उठे रह गई, चॉकलेट आ गई, वो इधर से ले लेंगे। बाबा चाहिए कि चॉकलेट है? हाँ ली तू तो रह लेंगे। बाबा चाहिए इधर आ, देखो समान खोला चकरा चे इधर, छुरी ले आ, छुरी ले आ, हाँ छुरी ले आ, खोल इन्हना हूँ, नहीं खोलना इन्हना। इब्राहिम दा समान रह गया उथे। हाँ वे लो, हाँ इब्राहिम हूं की होएगा फिर? हाँ इब्राहिम हूं फिर बाबा पूर घर फिर। हाँ तो इन्हें भी समान रह गया। इतने को पैसे के ली हुई थी, उधर ही रह गई है। अभी क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं क्यों, जी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। कीप सपोर्टिंग मी और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।